तो आज हम सिड्रा के P2P वेरिफिकेशन को लेकर के साथ ही साथ प्राइस को लेकर के और बहुत सारे लोगों को जो फेक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसके बारे में यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड करेंगे, जो सिड्रा की तरफ से ऑलरेडी आप सभी के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं। कोई भी जानकारी जब अधूरी होती है तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डिटेल है वो शेयर नहीं करता हूँ। किस लिए? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर कमी कुछ भी रह जाए और आगे चल करके वो प्रॉब्लम क्रिएट करे, और ऐसा आप देखेंगे काफ़ी सारी जगह पर हो चुका है। तो अभी आते हैं जो इनकी तरफ से डिटेल प्रोवाइड की गई है वो आप सभी के साथ शेयर करते हैं, और उसके बाद जो वेरिफिकेशन है उसके बारे में भी आपको बताएंगे पूरा प्रोसेस। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल आलोक में। आपका कोई क्वेश्चंस क्वेरी है फटाफट से कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। ये जो वीडियो है ओनली ओनली सिड्रा के ओल्ड माइनर्स हैं उन्हीं के लिए होने वाला है। मैं किसी भी न्यू माइनर्स कोई भी है वो अगर सोचता है कि इसमें माइनिंग कर लें तो मैं किसी को भी यहाँ पे प्रेफर नहीं करूंगा कि आप इसमें माइनिंग करें। काफी लंबा प्रोजेक्ट जब चलता है 2 से 3 साल या 4 साल और वहां पे जब प्राइस का बात आता है तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है। ऐसा सिड्रा के केस में हमको देखने को मिला है। अभी बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लखपति बना देगा करोड़पति, ये सारी चीजें हम कभी भी आप देखेंगे यहाँ पे जो तर्क होते हैं उनके आधार पर हम लोगों को सोचना चाहिए कि जब किसी कॉइन की इतनी सप्लाई है तो वो कैसे यहाँ पे इतना बड़ा आपको अमाउंट दे करके जाएगा। तो चलिए जो आगे प्रॉफिट होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तक के जो अपडेट्स हैं वो आप देख सकते हैं सिड्रा की तरफ से। यहाँ पे कुछ घंटे पहले यहाँ पे एक अपडेट प्रोवाइड किया गया था, वी हैव सक्सेसफुल वेरीफाइड। यहाँ पे कहा गया कि 35,000 यूजर्स हमने वेरीफाई कर लिए हैं। ये 35,000 यूजर्स वे थे जिन्होंने यहाँ पे P2 वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था। मेक श्योर योर डॉक्यूमेंट क्लीन आर एंड इमेज क्लीन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपकी इमेज है जब आप यहाँ पे P2P करेंगे वेरीफिकेशन तो आपको इमेज क्लियर चाहिए होगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जो इमेज है वो भी यहाँ पे क्लियर चाहिए होगी। और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं P2P will be अकाउंट अबाव 1,000 USDT। यहाँ पे कहा गया है कि जो P2P करना है जिन लोगों को उनका कम से कम अमाउंट, जैसे किसी के पास 2, 4 कॉइन, 10 कॉइन पड़े हुए हैं वो अगर सोच रहा है P2P करने की तो मेरे हिसाब से यहाँ पे गलत होगा। जिन लोगों के पास लगभग 1,000 USDT तक का कॉइन है, लेकिन पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कॉइन का भी प्राइस डिसाइड नहीं किया गया है। कोई भी आपको मैसेज करता है और कहता है कि हम यहाँ पे $10 में आपका कॉइन ले रहे हैं, सिड्रा कॉइन आप हमें सेंड कर दीजिए, बहुत सारे लोग सेंड कर देते हैं उनको कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता है। तो आप भी सतर्क रहिए, बच के रहिए ऐसे लोगों से। तो यहाँ पे प्राइस नहीं किया गया है तो इसको हम आपको यहाँ पे जो डिटेल है वो ज्यादा यहाँ पे शेयर नहीं कर पाएंगे। जो प्राइस को लेकर के आप देखेंगे, मैंने जैसा कि अभी कहा है एक यूजर के द्वारा सेम यहाँ पे क्वेश्चंस किया गया, थैंक यू और पार्टिसिपेट फॉर लेटिंग नो प्रोग्रेस एंड वेरीफाइंग अकाउंट बट करेंटली डू नॉट नो हाउ मैनी USDT सिड्रा कॉइन, यानी एक सिड्रा कॉइन की क्या कीमत हमें ये पता नहीं है, तो हम P2P वेरीफिकेशन करें या नहीं करें हम लोगों को यही यहाँ पे कन्फर्म नहीं हो रहा है। ये इनकी तरफ से यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था, तो आप देखेंगे इनकी तरफ से क्या कहा गया। दिस विल बी फ्यूचर नीड फॉर सपोर्ट एंड दिस पॉइंट फॉर द प्रोजेक्ट। यहाँ पे कहा गया है कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं जो P2P वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ये फ्यूचर में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है जो यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी होती है उनको लेकर के है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका अनाउंसमेंट है प्राइस का वो हम आपको आगे चल करके क्लियर करेंगे। तो अभी यहाँ पे अपडेट नहीं है, जैसा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखेंगे हाउ मेनी सिड्रा कॉइन फॉर 1,000 USDT नॉट कैलकुलेटेड येट, यानी अभी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं अमाउंट द एक्सेड कैलकुलेटेड प्राइस फॉर सिड्रा, यानी आगे चल करके ये बताया जाएगा। तो अभी आते हैं कैसे आपको क्या करना है वो प्रोसेस बता देते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका ब्राउजर है यानी जो भी आपका ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर है या आपका कोई यहाँ पे मेसेज या कीवी ब्राउजर है, तो उसको आपको ओपन करना है, और उसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे सिंपल आपको सर्च करना है sidrachain.com। ये आप देख सकते हैं sidrachain.com, ये आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके साथ आ जाएगा, यानी आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लॉग इन विथ KYC पोर्ट पे क्लिक करना है, लॉग इन विथ KYC पोर्ट पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ईमेल डालना पड़ता है और यहाँ पे आपको पासवर्ड जब आपने सिड्रा अकाउंट बनाया होगा वही पासवर्ड यहाँ पे होता है। आप चाहें तो फॉरवर्ड भी यहाँ पे कर सकते हैं ईमेल डाल के, और ये आपका यहाँ पे जब सक्सेस हो जाए उसके बाद यहाँ पे आप लॉग इन वगैरह करना, ठीक है। ये प्रोसेस ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी मैंने कवर किया था। जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। आपका नेम वगैरह होगा, यहाँ पे आपके रेफरल्स होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैंने सबमिट नहीं किया जबकि डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैंने सबमिट किए थे, लेकिन यहाँ पे वेरीफाई नहीं किया गया। तो अभी आप देखेंगे ये जो आपको यहाँ पे मिलता है ये प्रोफाइल वाला सेक्शन, इसी पे आपको क्लिक करना है सिंपल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं निकल के। पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे प्रोफाइल का, KYC पोर्ट का, साइन आउट का। तो यहाँ पे
सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप चाहें तो केवाईसी पोर्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, अगर आप प्रोफाइल पे भी क्लिक करेंगे तो वो आपकी डिटेल वगैरह यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवाईसी वाले पोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी वेरिफिकेशन मेरा कंप्लीट नहीं किया गया है, जबकि ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे थे, लेकिन मैं आपको P2P का यहाँ पे प्रोसेस बताऊंगा। ये जब प्रोसेस आपके यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो जो आपका सिड्रा पॉइंट आपको मिले हैं वो आप सिड्रा कॉइन में स्वैप कर पाएंगे, उसके बाद उनकी कीमत आपको मिलेगी, ठीक है। ये चीज भी मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या स्टेप हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इतने स्टेप हैं डॉक्यूमेंट वगैरह के, यहाँ पे आकर के आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जस्ट ज्वाइन लिखा हुआ है मेरी KYC पे, तो मैं क्या करूंगा इस पर क्लिक कर दूंगा सिंपल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आप देखिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे होम का है, KYC डॉक्यूमेंट का है और यहाँ पे KYC फेस ट्रैकिंग का है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आपको अगर अपने अकाउंट में जाना है जहां पे आपका कॉइन माइन वगैरह शो हो रहा है तो आप यहां पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन आपको मिलता है KYC डॉक्यूमेंट का, तो अभी आपको करना है फेस वाला, तो यहां पे आपको नहीं जाना है डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। लेकिन देख लीजिए पहले अगर आप KYC जो यहाँ पे फेस वाला भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट वाला भी यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप पहले यहाँ पे क्या कीजिए, इसको सबमिट कीजिए यहाँ पे फेस ट्रैकिंग वाला, ठीक है, इसको सबमिट कर दीजिए, उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट का नहीं हुआ है तो आप इसको सबमिट करना। तो यहाँ पे जैसे ही आप KYC फेस ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके साथ आएगा, यहाँ पे आपके सामने आएगा योर फेस ट्रैकिंग इमेज। यहाँ पे देखिए नो एनी फेस ट्रैकिंग इमेज एट, यानी अभी आपकी कोई भी इमेज नहीं है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पे आपको वेट करना है, फिर यहाँ पे आपको अलाउ वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि जो भी ब्राउजर्स होते हैं वो आपके कैमरा का यहाँ पे अलाउ मांगते हैं, तो वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर कैसे यहाँ पे होगा। तो आपको यहाँ पे वेट करना है, जैसे ही आप वेट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे अलाउ वगैरह का मांगेगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, ये देखिए यहाँ पे नेचुरल इमोशन, हैप्पी इमोशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिख करके आ रहा है प्लीज वेट, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये लिख करके आएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो इस वाले ऑप्शन को आपको हमेशा सेलेक्ट करना है अलाउ वाले को। तो हम यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी दो इमेज क्लिक होते हैं ऑटोमेटिक ही क्लिक हो जाते हैं, एक आपका नेचुरल वाला होगा, एक आपका यहाँ पे हैप्पी वाला होगा। यहाँ पे आप अगर चाहें आपके इमेज सही नहीं आते हैं तो रीडो फेस ट्रैकिंग पे आप क्लिक करके दोबारा से इसको कर सकते हैं, और जैसे ही ये आपका कंप्लीट हो जाता है फिर आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है सिंपल। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे यानी जो ये हैं इन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको KYC डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से आपका यही ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन हिसाब से मैंने जैसा कि कहा है पहले आपको इस वाले ऑप्शंस को क्लिक करना है, फिर आपको उस पे जाना है जो आपका यहाँ पे है। आप दोनों में से किसी को भी पहले क्लिक कर लीजिए या बाद में क्लिक कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करने आपको दोनों कंपलसरी हैं। दोनों जब आप कंपलसरी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तभी जाकर कि ये प्रोसेस होगा। एक बार फिर से हमें सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले सबमिट किया था, उसको अभी तक इन्होंने वेरीफाई नहीं किया है। अब यहाँ पे दिखा रहा है एड न्यू डॉक्यूमेंट, जिनका पहले यहाँ पे कुछ भी यानी डॉक्यूमेंट एड करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ है उनका ऐसा यहाँ पे शो करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो की रिगार्डिंग जो भी आपकी राय प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएंगे। अगली वीडियो में हम आपको सिर्फ जो यहाँ पे कॉइन यानी पॉइंट है उनको कैसे करना है उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में लाइक नहीं, तब तक के लिए नमस्कार। किसी अदर टॉपिक पे फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।